हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो ड्यूअल टोन हॉर्न इंस्टॉलेशन पे होने वाला है, क्योंकि कुछ पावरफुल हॉर्न्स मैंने मंगाए हैं जिसको कार में तो यूज़ कर ही सकते हैं और साथ ही साथ बाइक में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी ड्यूअल टोन हॉर्न को बाइक में इंस्टॉल करके दिखाया है, पर इस बार का हॉर्न उससे ज़्यादा पावरफुल और प्रीमियम होने वाला है और आपके व्हीकल के लिए बेस्ट होने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी ड्यूअल टोन हॉर्न को फोर व्हीलर और टू व्हीलर में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और आज का कनेक्शन बिल्कुल प्लग एंड प्ले होने वाला है, तो कनेक्शन में भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हॉर्न को अनबॉक्स करते हैं। तो अभी मेरे सामने दो अलग अलग कंपनी के हॉर्न और एक हॉर्न वायरिंग किट है। तो सबसे पहले हम बोस सिम्फनी हॉर्न पे आते हैं। तो यहाँ बॉक्स के सामने कंपनी का नाम, लोगो, वोल्टेज स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी वगैरह मेंशन किया गया है और बॉक्स के ऊपर साइड में नाम और कुछ नंबर्स मेंशन है और यहाँ ये प्रोडक्ट फीचर और माउंटिंग इंस्ट्रक्शन मेंशन किया गया है और इस साइड में प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट और हॉर्न से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है। तो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में दो हॉर्न देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों बोस ड्यूअल टोन सिम्फनी हॉर्न। तो ये ड्यूअल टोन हॉर्न है और इसमें एक लो टोन हॉर्न है और दूसरा हाई टोन हॉर्न है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें लो टोन हॉर्न की साउंड फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज है और हाई टोन हॉर्न की साउंड फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। इसका एम्पेरेज 5 एम्पियर है और इसको आप किसी भी 12 वोल्ट व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं। इसके मटेरियल की बात करें तो इसका हाउसिंग ABS प्लास्टिक है और ब्रैकेट मेटालिक होने से ये फ्रैक्चर और कोरोजन रेसिस्टेंट है। इसका डायमीटर 80 mm है और इसके पीछे साइड ये क्लैंप दिया गया है जिसकी मदद से आप इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस दोनों ही हॉर्न का टोटल वेट लगभग 600 ग्राम है और इसकी कीमत की बात करें तो इसके बॉक्स पे 745 रुपये MRP लिखा है, पर अमेजोन पे ये आपको लगभग 600 रुपये तक का मिल जाएगा और इसको आप कार, बाइक, SUV और कमर्शियल व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं। तो अब आते हैं दूसरे हॉर्न पे। तो ये है हेला कंपनी का ट्रम्पेट हॉर्न और इसके बॉक्स पे आते हैं तो यहाँ पे ऊपर साइड में कंपनी का नाम मेंशन किया है और बीच में ये ट्रांसपेरेंट है जिससे कि आप हॉर्न की एक झलक देख सकते हैं और यहाँ पीछे साइड वायरिंग डायग्राम और इंस्टॉलेशन नोटिस दिया गया है और इसके बॉक्स के साइड में MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट, डायमीटर और बाकी का स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है और इस साइड में कुछ नोट्स हैं और ऊपर साइड फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और डायमीटर मेंशन किया गया है और इस साइड में इसके कुछ फीचर्स लिखे हैं और साइड में होलोग्राम है और इसमें हेला दिखेगा आपको। तो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पे ये चमचमाता प्रीमियम लुक के साथ ये क्रोम सिल्वर कलर में हेला का ड्यूअल टोन ट्रम्पेट हॉर्न देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों हेला क्रोम ट्रम्पेट हॉर्न। ये ड्यूअल टोन हॉर्न है। एक्चुअली इसको मैंने कार के लिए परचेज किया है, पर अभी हम इसको बाइक में इंस्टॉल करके इसका साउंड चेक करेंगे, क्योंकि घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसके कारण कार मैंने कहीं और पार्क किया हुआ है काफ़ी टाइम से, तो उसमें मैं ये बाद में इंस्टॉल करूँगा। तो इसमें भी एक लो और दूसरा हाई टोन हॉर्न है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें लो टोन हॉर्न साउंड फ्रिक्वेंसी 410 हर्ट्ज है और हाई टोन हॉर्न की साउंड फ्रिक्वेंसी 510 हर्ट्ज है और इसका एम्पियरेज भी 5 एम्पियर है और इसको भी आप किसी भी 12 वोल्ट व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं। और इसकी मटेरियल की बात करें तो इसमें भी हाउसिंग ABS प्लास्टिक का है और ब्रैकेट मेटालिक है जिससे कि ये फ्रैक्चर और कोरोजन रेसिस्टेंट है और इसके भी ये पीछे साइड क्लैंप दिया गया है जिसकी मदद से आप इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही पोजिशन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इस दोनों ही हॉर्न का टोटल वेट लगभग 691 ग्राम है और इसकी कीमत की बात करें तो यहाँ बॉक्स पे लगभग 1700 रुपये इसका MRP लिखा है, पर अमेजोन पे ये आपको लगभग 1300 रुपये का मिल जाएगा। तो अब आते हैं हॉर्न वायरिंग किट पे। तो ये है वैष्णो कंपनी का प्लग एंड प्ले हॉर्न वायरिंग किट। क्योंकि जब भी हम ज़्यादा पावर कंजम्पशन वाला हॉर्न इंस्टॉल करते हैं तो उसे रिले के साथ इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है, वरना या तो हॉर्न प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा या फिर बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा और कभी कभी ज़्यादा एम्पियरेज होने के कारण स्विच भी ख़राब हो जाता है। तो इसको अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वायरिंग किट है और इसके साथ यहाँ पे एक रैपर भी दिखेगा आपको जिसमें कि जिप टाई और ये इंस्टॉलेशन मैनुअल है जिसमें कि आपको वायरिंग डायग्राम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम वायरिंग किट पे आते हैं। तो इसमें मैक्सिमम करंट कैपेसिटी के लिए इसमें फेनोलेक्स का थीक वायर दिया गया है, इसके साथ साथ ब्रास कॉपर का कनेक्टर भी दिया गया है और ये फ्यूज़ बॉक्स है जिसमें कि आपको 30 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है
और इसमें 65 एम्पियर और 800 वाट का रिले दिया गया है, जो कि किसी भी फोर व्हीलर और टू व्हीलर हॉर्न्स के लिए सफिशियंट है। और इसे आप किसी भी 12 वोल्ट व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले है। इसमें आपको कोई भी कनेक्शन में वायर को कट नहीं करना है, और इसके साथ इसमें 1 साल की वारंटी भी दिया गया है। तो हम इंस्टॉलेशन पे आते हैं। तो आगे का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा जो मैंने यामाहा R15 के लिए परचेज़ किया है। तो ये है दोस्तों की रिंग केस कवर, और ये की के टॉप पे फिट होगा, तो इसे आपके की का जो लुक है वो भी स्पोर्टी दिखने लगेगा, और साथ ही साथ जब इस की को आप इस बाइक में यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा स्मूथ आप फील करेंगे इसको लगाने के बाद। तो ये दोस्तों ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही परचेस किया है, और ये ब्लू कलर का है, और कलर में आपको और भी कलर्स आपको उस पर अवेलेबल है। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसका जो मटेरियल है वो CNC एल्युमिनियम है, और इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे जो दो स्क्रू है उसको एलन की से हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद इस तरह से की के टॉप पे इसको फिट करना है, और फिर वापस से इस स्क्रू को टाइट कर लेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले इस बाइक में ये साइड पैनल खोलना है, क्योंकि यहाँ पे ही वो आपको हॉर्न मिलेगा, पहले वाला हॉर्न। फिर हम ये एक सीट खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बैटरी से कनेक्शन करना है। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको जो पहले से मेरे बाइक में डुअल टोन हॉर्न लगा है उसका मैं साउंड आपको सुना देता हूँ। ये ऑटोफाई कंपनी का था, जिसको कि मैंने आपको बहुत टाइम पहले इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, और इसको इस बाइक में इंस्टॉल करके आपको दिखाया था। तो ये साउंड है इस ऑटोफाई डुअल टोन हॉर्न का, और मैं इसको लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आया है। तो ये हॉर्न अगर आप यूज़ करते हैं तो ये हॉर्न आपके लिए चीप एंड बेस्ट होगा, क्योंकि इसकी कीमत मात्र 250 रुपये है। और बाकी पीछे वाले सीट के नीचे मैं ये रिले इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि बाकी और कहीं मुझे ज़्यादा स्पेस इसमें दिख नहीं रहा है। तो रिले को मैं पीछे साइड रखूँगा, और बाकी जितना भी वायर है वो सारा आगे साइड आएगा, क्योंकि इसका जो हॉर्न वाला वायर है उसको हमें सबसे आगे साइड ले जाना है, क्योंकि जो स्टॉक हॉर्न है वो यहीं पे है, और हमें जो दूसरा वाला हॉर्न है वो भी हमें यहीं पे इंस्टॉल करना होगा। बाकी इसमें कहीं इतना स्पेस है नहीं कि हम इसको बाहर कहीं इंस्टॉल कर सकें। बाकी अगर बाहर आपको कहीं भी क्लैंप वगैरह दिखता है तो आप वहाँ पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से वायर को अरेंज करना है। यहाँ पे ये टैंक भी हमें थोड़ा हटाना होगा, क्योंकि इसके अंदर से ही ये वायर आगे के साइड ले जाना है इस तरह से। तो एलन की मदद से ये दोनों स्क्रू को हमें रिमूव कर लेना है, और आगे भी दो स्क्रू इसी तरह से मिलेगा आपको, इस दोनों को भी रिमूव कर लेना है। तो अभी वायर अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है, तो अब हम हॉर्न को इंस्टॉल करेंगे। तो हॉर्न को इंस्टॉल करने से पहले अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से हॉर्न लगा है मेरे बाइक में। ये भी डुअल टोन हॉर्न है, पर अगर आपने इससे पहले कोई भी हॉर्न इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आप में कंपनी वाला हॉर्न होगा, वो राउंड शेप में होगा बिल्कुल, तो उसको पहले यहाँ से बाहर निकाल लेना है इस तरह से। सेम इसी तरह से बाहर निकालना है। तो मैं भी ये जितना भी अलग से वायर वगैरह है वो सारा मैं इससे पहले बाहर निकाल लेता हूँ, और ये दोनों हॉर्न को कम्प्लीटली मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ।
तो अभी जितना भी वायर और हॉर्न था यहाँ पे सारा मैंने यहाँ से निकाल दिया है, तो हम नया वाला हॉर्न यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बोस वाला हॉर्न इंस्टॉल करेंगे। तो अभी ये दोनों इंस्टॉल हो चुका है। तो इस वायरिंग किट में टोटल आपको 6 वायर देखने को मिलेगा। उसमें से दो आपका कनेक्टर जो कि रेड और ब्लैक है, वो दोनों आपका बैटरी से कनेक्ट होगा। रेड वाला बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और ब्लैक वाला ग्राउंड होगा। और जो दूसरा ब्लैक वायर है, ये जिसको कि ग्राउंड लेना है, इसको हम ग्राउंड नहीं लेंगे। एक्सटर्नल स्विच से जब आप इसका कनेक्शन करेंगे तब आपको इसको भी ग्राउंड लेना है। तो इस वायर को अच्छे से टेपिंग करके और यहीं साइड में कहीं पे इसको सेट कर लेना है। और बाकी जो ये आगे साइड जो दो कनेक्टर है उसके वायर में ये कनेक्ट होगा। तो मेरे वाले बाइक में दो हॉर्न था, तो टोटल 4 वायर मिलेगा यहाँ पे आपको। ये दोनों जो पहले से जो हॉर्न था, तो उसमें से कोई भी एक हॉर्न का 2 वायर इससे कनेक्ट होगा। उसमें से जो रेड है उसको बाइक में जो रेड कलर का वायर है उससे कनेक्ट होगा, और बाकी जो ब्लैक है वो दूसरे वाले से कनेक्ट होगा। टोटल 4 वायर और बच गया है जिसको कि हमें हॉर्न में इंस्टॉल करना है। तो दो दो वायर दोनों हॉर्न में इंस्टॉल कर लेना है। कोई भी 2 वायर आप किसी भी हॉर्न में इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी साइड आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कनेक्शन सारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम साउंड चेक करते हैं। तो ये था साउंड बोस सिम्फनी हॉर्न का, जो कि काफ़ी पावरफुल था। और मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि कभी कभी आपका हॉर्न बैटरी लो होने के कारण कभी साउंड वैसा आपको नहीं मिल पाए जैसा कि एक प्रॉपर होना चाहिए। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपका बाइक रेगुलर चलता रहेगा तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जब डुअल हॉर्न को आप जब इंस्टॉल करते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इंजन स्टार्ट में ही इस हॉर्न को आप यूज़ करें, और जब इंजन आप ऑफ कर देते हैं तो इस हॉर्न का आप कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें। तो हम हेला वाला हॉर्न को इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो इसको भी सेम उसी पोजीशन में उसी तरह से इंस्टॉल करेंगे और कनेक्ट करेंगे फिर वायर को। तो अभी ये हॉर्न भी इंस्टॉल हो चुका है और वायर भी कनेक्ट कर दिया है मैंने। तो अब इसका भी हम साउंड चेक करते हैं। तो तीनों हॉर्न को सुनने के बाद तीनों ही अपने दाम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप चीप एंड बेस्ट में जाना चाहते हैं तो आप ऑटो 5 वाला हॉर्न को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप मिड रेंज वाले हॉर्न में जाना चाहते हैं तो आप बोस वाले को इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको एक पावरफुल और मीठा साउंड अगर चाहिए तो आप हेला हॉर्न को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो ये हेला वाला हॉर्न है उसको आप अपने 4 व्हीलर में यूज़ करें, उस पर ये ज़्यादा सूट करेगा। बाकी ये दोनों जो हॉर्न है, एक ऑटो 5 वाला एक बोस वाला, इन दोनों को आप बाइक में यूज़ कर सकते हैं और ये बाइक के पर्सनालिटी पे भी सूट करेगा। तो इसमें अगर ये वायरिंग किट अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, और आप क्योंकि ये जो वायरिंग किट है ये लगभग 800 रुपये का है, तो ये अगर आपके बजट में नहीं आता है तो आप एक सिंगल रिले को भी लेके आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। और इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जबकि मैंने ये जो ऑटो 5 वाला डुअल टोन हॉर्न था इसको जब मैंने अपने बाइक में इंस्टॉल किया था। तो अगर आप उस तरीके से अगर इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप मेरे उस वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगर आप ये वायरिंग किट अगर यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।